अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरीद स्पेशल कलेजी मसाला। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हाफ के जी मैंने कलेजी ली है और मैंने ये किया था। लोग कहते हैं कि स्मेल आती है कलेजी में, तो मैंने इसको वॉश करने से पहले इसको छन्नी में रख के और इसमें साबुत लहसुन कुचल के, छिलका नहीं उतारा था उसको, अच्छी तरह कुचल के और उस पर लगा के अच्छी तरह से इसको रख दिया था और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो इससे ये होगा कि इसमें स्मेल नहीं आएगी जब आप पकाएंगे। 15-20 मिनट के लिए इसको आप रख दें तो इसकी सारी स्मेल वगैरह सब निकल जाती है। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर दें। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में। आधी प्याली दही जाएगा इसमें। कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। नमक जाएगा, हसबे जायका, और ये ज़ीरा है, मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और ये हाफ टी स्पून हल्दी है इसमें। तो चलें पहले इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं ये करूँगी कि ये कलेजी को मैं हल्का सा 10 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने कढ़ाई में पानी लिया है और अब ये मैं कलेजी इसमें डाल रही हूँ, इसको 10 मिनट के लिए मैं बॉईल करूँगी। अच्छा, इसको मैं उबालने के लिए रख रही हूँ, इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको कवर कर दूँगी। अच्छा, ये हाफ कप मैंने ऑयल लिया है और अब इसमें मैं प्याज फ्राई करूँगी। तो लाइट गोल्डन सा करेंगे कलर, बहुत ज़्यादा डार्क वाला नहीं करना है, अच्छा सा गोल्डन कलर करना है। ये वाली जो मैं कलेजी बना रही हूँ इसमें थोड़ी प्याज ज़्यादा डलती है, भुनी भुनी सी होती है, बहुत तरीके से बनती है, 2-3 तरह से बनती है कलेजी, सालन वाली भी और खाली मसाले वाली, तवा कलेजी। तो ये जो मैं बनाती हूँ तो इसमें थोड़ी सी प्याज होती है ज़रा। अच्छा, देखें ये प्याज हमारी गोल्डन होने लगी है, थोड़ा सा और मैं करूँगी, फिर उसके बाद में इसमें लहसुन अदरक डालूंगी और प्याज देखें कितनी कम हो गई है, ये ब्राउन होने के बाद ये कम हो जाती है। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। दो टेबलस्पून डाला है मैंने, थोड़ा सा भूनेंगे इसको। और ये 2 हरी मिर्ची ये डाल। अच्छा, अब ये मसाले डाल रही हूँ मैं इसमें। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। भूनेंगे इसको। थोड़ा सा पानी डालिए ताकि ये मसाले जले ना। इसको मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा थोड़ा दही डाल के और इसकी भुनाई करूँगी। खूब अच्छा सा मसाला भुना हुआ होना चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसकी भुनाई करूँगी, 2 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी, फिर तो इसके बाद दिखा दूँगा। मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, खूब ऑयल निकल आया है इसका। और अब मैं इसमें ये कलेजी डाल रही हूँ, मैंने ये बॉईल कर ली है कलेजी, आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी भी है, अगर मुझे यूज़ करना होगा पानी तो मैं इसी का डालूँगी थोड़ा सा। तो अब मैं ये कलेजी डाल रही हूँ इसमें। और इसकी भुनाई करेंगे। नमक मैं एंड में डालती हूँ क्योंकि अगर पहले से डाल देते हैं तो कलेजी सख्त हो जाती है। जैसे लोग शिकायत करते हैं कि उनकी कलेजी सख्त हो गई है, तो वो नमक पहले से नहीं डाला करें। अच्छा, अब ये मैं डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून डाल रही हूँ।
और ये भुना कुटा जीरा एक टीस्पून, कसूरी मेथी दो टीस्पून, बस अब इसकी भुनाई कर लेंगे। खूब अच्छा सा और तेल निकल आए इसका, मसाला अच्छी तरह कलेजी में मिक्स हो जाए। बस में कोई पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, भुना भुना मसाला ये इसी तरह होगी। दो हरी मिर्चें बीच में से दो कर दिए मैंने, ये डाल रही हूँ। और अब मैं इसको दो मिनट के लिए बस कवर करके रख रही हूँ और हमारी कलेजी तैयार है। इसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दूँगी मैं जी। दो मिनट हो गए इसको, मैं कवर किया था मैंने इसको, और अब मैं चेक कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी भुना भुना मसाला होता है इसका, और ये कलेजी हमारी तैयार है। और मैं इसको निकाल के डिश में, थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल रही हूँ मैं ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कलेजी तैयार है बीफ की। और अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेजी, जो बकरीद पे सबसे पहले कलेजी खाई जाती है, तो सबसे पहले कलेजी की डिश ही बनाई जाती है। तो उसके लिहाज से मैंने आपको कलेजी बना के दिखाई है। बकरीद पे आप लोग भी अपने घरों पे बनाएं और इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैंने इसे हरा धनिया और लेमन के साथ गार्निश किया है। जब इसको खाते हैं नान या रोटी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये इसके साथ। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।